नमस्कार, इनमें ट्रैवल प्रस्तुत इस विशेष जी शो में आप सभी का मैं पूजा मनपूर्वक फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम थोड़ा सा अलग विषय लेकर मिल रहे हैं और इस विषय का नाम है सुमिता कैंसर सोसाइटी। ये सोसाइटी क्या करती है, किस तरह से कैंसर पेशेंट को मदद करती है, किस तरह से ये एनजीओ काम करती है, इस बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, मार्गदर्शन लेने वाले हैं। और इस बारे में आज हमें अधिक मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ है पापिया सेन गुप्ता जी। सबसे पहले इस कार्यक्रम में पापिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी, पापिया सेन गुप्ता जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए तो पापिया सेन गुप्ता जी जो है वो सुमिता कैंसर सोसाइटी की अध्यक्षा है और 2008 से वो इस सोसाइटी से जुड़ी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंसर जागरूकता के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण काम इस एनजीओ के माध्यम से कर रही है। वो रोगी और जो उनकी देखभाल करने वाले लोग होते हैं उनको मार्गदर्शन देने का काम भी इस एनजीओ के माध्यम से पापिया सेन गुप्ता जी हमेशा कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पापिया सेन गुप्ता जी सुमिता कैंसर सोसाइटी की अध्यक्षा बन चुकी है। सबसे पहले आपका वापस फिर से एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत है मैम। और सबसे पहले मुझे लगता है दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जिस एनजीओ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, सुमिता कैंसर सोसाइटी के बारे में, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये एनजीओ क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दीजिए, क्या बताएंगे मैम? हमारा एनजीओ के बारे में, एक्चुअली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है 2008 का 2 जून उसका उद्घाटन हुआ था। तो हमारा एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका पहले से थोड़ा बोलना चाहूंगी। हमारा जो आपका फाउंडर सेक्रेटरी है मिस्टर एम के भट्टाचार्य, उनका एक्चुअली मोटिवेशन था ये एनजीओ करने ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, क्योंकि उनका जो वाइफ है उसका अचानक डेथ हो गया कैंसर, आपका ओवरियन कैंसर में, और उनका मम्मी का भी डेथ हो गया एक ही टाइम में। तो उस टाइम उन्होंने सोचा ऐसा काम करने के लिए, और मेरे भी मम्मी पापा का डेथ हुआ कैंसर में, तो मैं भी अकेला ऐसा काम करती थी। तो उस टाइम और कुछ लोग जिसका कैंसर, जो कैंसर सर्वाइवर्स है, और कुछ लोग जो कैंसर केयर गिवर है लेकिन अपने को बचा नहीं सका बिना अवेयरनेस के, लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए, तो सब हम लोग इकट्ठा हो गए। ये ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्मेशन हुआ, तो इसका फॉर्मेशन में ज्यादा से ज्यादा जो योगदान है, तो उसका योगदान का भागीदार है मिस्टर एम के भट्टाचार्य, जो हमारा फाउंडर सेक्रेटरी है। तो जी ऐसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे उस टाइम से हम लोग काम शुरू किया। जी जैसे आपने बताया कि इस एनजीओ की स्थापना कब हुई और किस तरीके से हुई, उसके बारे में क्या इतिहास है, इस सब के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन सबसे पहली बात ये आती है कि ये एनजीओ एक्चुअली करता क्या है कैंसर पेशेंट्स के लिए या फिर उनके जो परिवार वाले हैं उनके लिए, एक्चुअली ये एनजीओ क्या काम करता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हम लोग मेनली जो कैंसर प्रिवेंशन के लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत जी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंसर होने का बाद वो लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग ऐसे सोचा जो कैंसर जब हो गया तब तो उसका ट्रीटमेंट पार्ट चालू ही होगा, लेकिन कैंसर को मैंने डेथ रेट कम उसी टाइम हो सकता है अगर हम लोग अच्छा से अवेयरनेस करें, अच्छा से हम लोग अवेयरनेस कर पाए। तो ये हमारा प्रिवेंशन का मेन काम है। प्रिवेंशन दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक आपको पता होगा अवेयरनेस, बहुत ग्रास रूट लेवल से हम लोग ये अवेयरनेस करते हैं, और एक तरीका हमारा है जो प्री कैंसरस लिशन डिटेक्शन कैंप हम लोग लगाते हैं, जैसे ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, इसका जो लीशन होता है प्री कैंसर लीशन पहले से हम लोग डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कैंप हम लोग लगाते हैं। इससे बहुत पहले जो फर्स्ट स्टेज या प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्टेज या बिफोर कैंसर नहीं हुआ लेकिन हो सकता है ऐसा स्टेज में हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं करते हैं, तो बहुत लोग कैंसर कैंसर से बच सकते हैं। तो ये काम हमारा एक्चुअली मेन हमारा मोटिव है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये हम करते हैं। जी,
आपकी एनजीओ किस प्रकार से काम करती है इस बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन आपने जिस कैंप के बारे में कहा, आप अलग अलग तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करती हैं इस एनजीओ के माध्यम से, तो ये कैंप के बारे में थोड़ा डिटेल्स हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे मैम? अच्छा, हाँ, हम लोग जो कैंप लगाते हैं एक्चुअली वीओ एनजीओ एंड गवर्नमेंट जीओ मींस वीओ मींस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग सब जगह हम लोग पहुंच नहीं सकते, तो बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग हमारा जो नेटवर्क है उसमें ले लेते हैं, तो वो लोग वहाँ पे जगह जगह में ऑर्गेनाइज करते हैं कैंप, तो हम लोग जाके वहाँ पे जो मेन काम जो अवेयरनेस या डिटेक्शन वो हम लोग करते हैं, हमारा टीम है मेडिकल टीम है अवेयरनेस टीम है, वो टीम जाके बाद में वो करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत सारे बैंक हो सकता है, स्कूल हो सकता है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग भी हम लोग को बुलाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम या डिटेक्शन कैंप करने के लिए, और भी आपका एनजीओ नॉन गवर्नमेंट जैसे हम लोग जैसे और सारे एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो लोग भी हम लोग को बुलाते हैं ये काम करने के लिए, ऐसे हम लोग वो लोग को लेके हमारा नेटवर्क में ये काम बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं और करते रहते हैं ये। जी मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है और इसके लिए कैंसर पेशेंट्स की जो संख्या है वो बहुत बढ़ रही है, तो ये अवेयरनेस करने का काम आपके द्वारा किया जाता है या आपके एनजीओ के द्वारा किया जाता है, सुमिता कैंसर सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, तो इसी बारे में मुझे पूछना है, अवेयरनेस और बढ़ना चाहिए इसके लिए आप आगे क्या करना चाहेंगे या आपका एनजीओ आगे क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली अवेयरनेस तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, अवेयरनेस नहीं होने से क्या हुआ, क्या हो सकता है, हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, जैसे हमारा नेक्स्ट जनरेशन अभी तो जैसे वो लोग बहुत सारे आपका फूड हैबिट्स बहुत ही अलग तरीका हो रहा है, हमारे घर में आपका घर में बच्चे लोग दूसरा टाइप का जो बहुत फास्ट फूड लेते हैं, तो इससे आगे जाके बहुत कैंसर पेशेंट जैसे अभी तक कोविड का मौसम है, कोविड लेके हम लोग बहुत ही चिंतित है, लेकिन इस पीछे कैंसर बहुत बढ़ रहा है क्योंकि ठीक से अवेयरनेस हो नहीं पा रहा है, इस हिसाब से कोई नहीं कर पा रहा है, हम लोग भी नहीं कर पा रहे, तो कैंसर अवेयरनेस का बहुत महत्वपूर्ण दिक है, अगर हमको कैंसर का डेथ जो ऐसा अवेयरनेस करने से भी कैंसर होगा, ऐसा नहीं कि कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर ठीक से हम लोगों का अवेयरनेस होता है हम लोग कर पा रहे हैं तो कैंसर में डेथ बहुत कम होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जो आम आम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे या लैब में जाके टेस्ट कराएंगे तो बहुत फर्स्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, इससे क्या होगा जो हमारा जो तजुर्बा है इतना दिन काम करने का, इससे क्या होगा फर्स्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर, ये आपको पता है बहुत सारे फीमेल लोग इसमें इसमें मौत हो रहा है, आज भी जो रिपोर्ट है हमारे पास में आपको भी पता होगा 70,000 फीमेल एवरी ईयर उसका मौत हो रहा है आपका सर्वाइकल कैंसर में, लेकिन सर्वाइकल कैंसर 100% प्रिवेंटेबल है, तो अगर हम लोग ठीक से इसको डिटेक्शन कैंप लगा सकते हैं, ठीक से अवेयरनेस कर सकते हैं, स्कूल में जाके जो नेक्स्ट हमारा जेनरेशन है जो बच्चे बच्ची है हमारे जो गर्ल्स है उसको अगर हमसे ठीक से अभी से ठीक से हम लोग अवेयरनेस कर पाएंगे तब आगे जाके आगे आगे जाके आगे जेनरेशन को कैंसर सर्वाइकल कैंसर में मौत एकदम से नहीं होना चाहिए अगर ठीक से हम लोग अवेयरनेस कर सकेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है सबके लिए, जैसे हम जैसे एनजीओ है जैसे दूसरा जो एनजीओ है दूसरा जो कॉर्पोरेट हाउस है जो गवर्नमेंट हाउस है सबको ले एक साथ मिलके हम लोग का काम करना है एक कैंसर में मौत को बहुत कम करने के लिए। जी, जिस प्रकार से आपने मैम कहा कि कैंसर अवेयरनेस की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है और जैसे आपका एनजीओ इस तरीके का काम कर रहा है कि अवेयरनेस बहुत सारी जगह पे कर रहा है कैंसर को लेके, और जैसे आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया कि महिलाओं को इस बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है जिससे डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो सकती है,
उसके आगे जाके मुझे ये पूछना है मैम आपसे, जैसे कि आपने कहा कि आप अलग अलग तरह के कैंप लगाते हैं, आपके एनजीओ अलग अलग तरह के कैंप करते हैं, साल में कितने कैंप ऐसे आप करते हो, इस बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है मैम? हाँ श्योर। एक्चुअली हम लोग अवेयरनेस कैंप महीना में मोटा मोटी आपका 10 ऐसा कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंप करते रहते हैं। तो आपका साल भर में हो गया आपका 120। एंड डिटेक्शन कैंप जो हम लोग लगाते हैं वो महीना में आपका 2, मैक्सिमम 2 लगा सकते हैं, क्योंकि पहले जितना अवेयरनेस कैंप होता है उससे हमारा डिटेक्शन कैंप में जो महिला या पुरुष जो भी वो आते हैं पहले से ना रजिस्ट्रेशन करके। तो ऐसे हम लोग मोटा मोटी आपका मैक्सिमम हम बोल सकते हैं 2 लगा सकते हैं। तो आपका साल भर में 24 या 25 हम लोग डिटेक्शन कैंप करते हैं। जी, उसी प्रकार से कोई कोई कैंसर पेशेंट्स में ये होता है या उनके परिवार के साथ ये होता है कि वो कैंसर के लिए खर्च नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए या उन परिवार वालों के लिए आप किस प्रकार की, आपके एनजीओ किस प्रकार की मदद करती है? हाँ देखिए, एक्चुअली हम लोग जहाँ पे काम करते हैं नॉर्थ बंगाल, मेनली हमारा काम है पूरा जी वेस्ट बंगाल में हम लोग काम करते हैं, लेकिन नॉर्थ बंगाल में ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकल कंडीशन, लो इकोनॉमिक कंडीशन वाला हमारे पास जब आते हैं तो उसको उन लोग को हम लोग सजेशन करते हैं जो आपका गवर्नमेंट जो टर्शियरी कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे जाने के लिए। फिर भी बहुत सारे फ्री होने के बावजूद बहुत सारे आपका आपका बहुत सारे खर्चा होता है। तो उसमें हम लोग हमारा जो योगदान होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लो कॉस्ट का जैसे 30-40% डिस्काउंट में हम लोग लैब का टेस्ट उन लोग को करा सकते हैं, जो हमारा इसके लिए हेल्थ कार्ड है। तो जगह जगह में हमारा हेल्थ कार्ड वहाँ पे लैब लेबोरेटरी जो है उसके साथ हमारा टाई अप है। तो जगह जगह का में जाके वो लोग वहाँ से करने से जल्दी जल्दी उनका रिपोर्ट मिल जाता है। तो 30-40% डिस्काउंट में वो लोग का लैब टेस्ट हो सकते हैं, होते रहते हैं। फिर और मेडिसिन भी 30-40%, कभी कभी 50% डिस्काउंट में भी हम लोग अरेंज कर देते हैं मेडिसिन। और फ्री काउंसलिंग, क्योंकि आपको पता है जिसका घर में आपका डिटेक्ट हुआ कैंसर तो उसका तो सब कुछ, जैसे मैंने जब सब कुछ खत्म हो गया ऐसे वो लोग को लगते हैं। तो उस टाइम कैंसर पेशेंट को उसका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है काउंसलिंग, और केयर गिवर जो उसको देखभाल करते हैं उसको काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। वो हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर बहुत अच्छा से ये काम करते हैं, हॉस्पिटल जाके, घर घर जाके, फिर कोई नर्सिंग होम में कोई एडमिट है वहाँ जाके, फिर कोई कोई हमारे ऑफिस में भी आते हैं। ऐसे हम लोग ये काम बहुत अच्छा तरीका से आपका काउंसलिंग भी करते हैं। जैसे मैं पहले बोला मेडिसिन कम दाम में मिले इसका इंतजाम करते हैं, फ्री न्यूट्रिशन हम लोग इंतजाम करते हैं। जो जब ट्रीटमेंट पीरियड में बहुत सारे लोग दवाई थोड़ा बहुत दवाई बाहर से खरीदना ही पड़ता है, उसके लिए वो लोग पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन अच्छा से फ्री अच्छा से न्यूट्रिशन होना जरूरी होता है ड्यूरिंग आपका ट्रीटमेंट पीरियड। उस वो लोग उसके लिए हम लोग उन लोग को समझाते हैं जे आप लोग अच्छा से अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम लोग उसके लिए फ्री न्यूट्रिशन इंतजाम आज 2010 साल से हम ये फ्री न्यूट्रिशन का काम चला रहे हैं। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से मैम आपने बताया कि कैंसर पेशेंट्स को अगर एक बार पता चलता है कि हमें कैंसर हो गया, तो माने उनको लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात एक बार तो आती है, और परिवार वाले भी पूरी तरह से अपना हौसला खो बैठते हैं कि ये क्या हो गया करके। तो ऐसे टाइम पे काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। आपके एनजीओ के मार्फत किस तरह की काउंसलिंग ऐसे पेशेंट या उनके परिवार वालों को दी जाती है मैम? हाँ मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, जैसे हम कैंसर जब डिटेक्ट होता है उसी टाइम हम लोग को पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका फैमिली मेंबर्स
जो उसका टेक केयर करते हैं वो लोग को भी समझाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पीरियड वो लोग खाना नहीं खा सकते थे, खा सकते हैं, फिर उसका उसका जो हेल्थ कंडीशन डिटेरियरेट करते रहते हैं, उसका वोमिटिंग होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, उसका बाल गिर रहे हैं, गिरते हैं, ऐसा तो उसका ट्रीटमेंट पीरियड पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, वो उन लोग को अच्छा से हम लोग हमारा वॉलेंटियर अच्छा से समझाता है। कभी उसका घर जाके ऐसा है जो पेशेंट मूव नहीं कर सकते हैं, तो हमारा वॉलेंटियर उसका घर जाते हैं, ये सब काम हम फ्री में करते हैं, कोई पैसा का हम लोग का कहीं से भी एक पैसा भी हम लोग इसके लिए नहीं लेते, हमारे वॉलेंटियर एकदम से फ्री में ये काम करते हैं, क्योंकि उसी कैंसर पेशेंट को आज का दिन में बहुत सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं, लेकिन हौसला ठीक से हौसला रखना बहुत जरूरी है कैंसर से उसको ठीक होने के लिए, तो ये काम बहुत जरूरी है बोल के हमारा वॉलंटियर हमारा जो आपका काम जो हमारा हम लोग यहाँ पे करते हैं सब लोग मिलके ये काम हम बहुत बाई हार्ट हम लोग ये करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एक भी कैंसर पेशेंट को मौत ना हो, सब कैंसर जी पेशेंट ठीक हो जाए, पहले जो वो लोग लाइफ स्टाइल का है उसमें वो लोग फिर से आ जाए, ये हमारा कोशिश रहते हैं। जी जी उसी तरीके से इतना बड़ा एनजीओ है, इतनी बड़ी एनजीओ की आप अध्यक्षा है, तो ये चलाते वक्त बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ता होगा मैम। तो आप ये मुश्किलें कैसे सॉल्व करती हैं, या फिर इन मुश्किलों का सामना आप कैसे करती हैं? दर्शकों को ये बहुत जानने की जरूरत है, क्या बताएंगे मैम आप? हाँ, हमारा भगवान की कृपा से हमारा ऑर्गेनाइजेशन दिन दिन बहुत बढ़ रहा है, हम जैसे विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड हम दूसरा जगह में भी हमारा जैसे असम झारखंड हाँ वहाँ पे भी हम लोग हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर खुलने वाला है, कोविड के वजह से थोड़ा अभी टाइम लग रहा है, तो ये काम बहुत अच्छा से हम लोग करने के लिए और सारे सबको हम सहयोग चाहते हैं, जैसे हमारा मैं बोलना चाहूंगी ये मौका में जैसे हमारा एक बड़ा कोई गिफ्ट दिया है लैंड, वहाँ पे हम लोग चाहते हैं पेन मैनेजमेंट का काम करने के लिए, तो लेकिन वो लैंड अभी तक हम लोग वहाँ पे पा जमा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ का कुछ आदमी कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कुछ आदमी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, वो लोग बहुत पैसा मांग रहे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है, तो ऐसे हिसाब से इसमें अगर दूसरों दूसरे कॉमन पीपल हमारे साथ जुड़ जाए तो हम ये काम, क्योंकि नॉर्थ बंगाल या ईस्टर्न जोन में पेन मैनेजमेंट का काम कोई नहीं कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं जो एक्चुअली जो पेशेंट जो ठीक नहीं हो सकते हैं, जो कैंसर पेशेंट एडवांस स्टेज में उसका डिटेक्शन हुआ वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन उसका जितना दिन बचे हैं वो अच्छा से पैलिटिव केयर पाए, तो इसके लिए हम लोग पैलिटिव सेंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है वो हम कर नहीं पा रहे हैं कुछ लोग के कारण, लेकिन ये बहुत जरूरी है हमारा ईस्टर्न जोन में या नॉर्थ बंगाल में, तो अब अगर जो भी हमारा जो भी दर्शक हमारा बात सुन रहे हैं या आगे जाके सुनेंगे उन लोग के पास मेरे रिक्वेस्ट है आप लोग हमारे साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहिए, हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, आप भी हाथ बढ़ाए हाँ, ये लैंड को अगर हम ले पाए हाँ, क्योंकि ये हम जो दिया हम लोग को आप वो लोग तो अच्छा मोटिव से दिया गिफ्ट गिफ्ट करके दिया, फिर भी हम ये ले नहीं पा रहे, तो अगर कोई भी इसका इसके लिए हमारा सहयोग कर सकते हैं तो फिर आप आगे आइए हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, ये रिक्वेस्ट मैं रखूंगी। जी मैम, आप एक बता सकती हैं मैम कि अब तक आपके एनजीओ में कितने कैंसर पेशेंट्स आए हैं और कितने इससे ठीक होकर बाहर चले गए हैं? देखिए एक्चुअली कैंसर मैं पहले ही बोला हम लोग एक्चुअली मेन हमारा काम है प्रिवेंशन का, कैंसर पेशेंट का हम जी लोग जी उतना हम लोग ये नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं इसके लेके तो कैंसर पेशेंट रेगुलर आते रहते हैं, मोटा मोटी मैं आपको बोल सकती हूँ मायना में मोटा मोटी हमारे पास 20-25 कैंसर पेशेंट कॉन्टेक्ट करते हैं, तो इस हिसाब से आप साल भर का हिसाब निकाल सकते हैं, तो ऐसे इतना साल में हम लोग 1000 का ऊपर तो होगा ही,
हाँ, तो जी ये इतना इतनों को हम लोग मोटा मोटा 8-10 हज़ार तो हो ही जाएगा, तो उन लोग को हम लोग का सर्विस दे पाया जैसे जैसे सर्विस उन लोग का देना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल लोग होता है उसका ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस हम लोग देते हैं, फ्री में भी देते हैं और लो कॉस्ट में भी। जैसे बाल गिर जाता है तब हम लोग फ्री में भी बाल देते हैं कि थोड़ा बहुत लो कॉस्ट में हम लोग उस टाइम, क्योंकि आपको पता है लेडीज लोग का बाल कितना कीमती चीज है ना, और जी ब्रेस्ट भी कितना कीमती चीज है, तो ये दोनों जी ही हम लोग फ्री में देते हैं। जो एफोर्ड नहीं कर पाते और जो एफोर्ड कर पाते हैं उनको बहुत ही कम दाम में हम लोग अरेंज करके उन लोग को देते हैं। जी जिस तरीके से मैम बार बार आप बता रही हैं कि कैंसर के बारे में प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या दर्शकों को बताना चाहिए कि कैंसर को प्रिवेंट करना सच्ची में बहुत जरूरी है, जिससे आप कैंसर से या कैंसर शुरू होने से बहुत दूर रह सकते हैं। हाँ, मैं दर्शक को बताना चाहूंगी जो मुझे जो मौका मिला आप लोगों का टूर, तो एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मम्मी लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान रहना चाहिए। जो बच्चे को पहले से छोटे उम्र से उसको अच्छा से समझाना कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करें, कैसे जो बच्ची होते हैं जो गर्ल्स होते हैं जो वो लोग को कैसे जब उसका आपका मेंस चालू होता है तब वो कैसे हाइजीन मेंटेन करेंगे, कैसे आपका खुद को कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब छोटी उम्र से ही मम्मी लोग का बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे को सिखाना जानकारी देना। और जब कोई लड़की का शादी हो जाता है तो मम्मी का ही बहुत जरूरी होता है उसको सिखाना आफ्टर शादी का 3 साल बाद से रेगुलर बेसिस में सर्वाइकल स्क्रीनिंग करना, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस में सर्वाइकल स्क्रीनिंग चालू रहेगा तो उन लोग का कभी सर्वाइकल कैंसर हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर पहले भी मैं बता चुकी हूँ 100% प्रिवेंटेबल है। तो ये सब सिखाना चाहिए। फिर सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग मम्मी को ही सिखाना चाहिए लड़की लोग को कैसे रेगुलर बेसिस में एवरी मंथ वो लोग सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करेंगे। ये सब हमारा साथ अगर कोई जुड़े रहेंगे, अगर हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे, हमारा वॉलेंटियर एकदम से फ्री में सिखाएंगे, तो ये बहुत ये अगर हम लोग करेंगे हमारा घर का मम्मी लोग इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से घर से ही अवेयरनेस चालू हो जाएगा और कैसे खुद का हेल्थ कैसे ठीक रखना चाहिए। कुछ भी होने से 30 या 30-35 ईयर्स होने से ही रेगुलर बेसिस में हेल्थ का कंडीशन कैसा है, जैसे लिपिड प्रोफाइल बहुत जरूरी है करना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसी टाइम डॉक्टर को दिखाना, ये सब अगर छोटी उम्र से बच्चे लोग सीख जाएंगे तो मेरे ख्याल से अगला जो हमारा अगला जो जेनरेशन होगा तो बहुत एवर रहेगा, ना नॉट ओनली कैंसर दूसरा बीमारी से भी वो लोग बहुत उसका अवेयरनेस रहेगा, तो उसमें कोई भी बीमारी में मौत का रेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसका जानकारी रहेगा कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये बहुत जरूरी है। जी मैम, दूसरी एक बात, आपके एनजीओ के मार्फत हमेशा एक प्रतिज्ञा दी जाती है लोगों को कि इस दुनिया को पूरी तरह से हमें कैंसर मुक्त बनाना है, और मुझे लगता है आपके एनजीओ के मार्फत ही नहीं पूरी दुनिया को ये बोलना चाहिए कि हमारा जो देश है वो पूरी तरह से कैंसर मुक्त होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इस माध्यम से आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे मैम? हाँ, ये तो बहुत ही जब हम लोग काम शुरू किए थे जैसे मैं पहले बोला कि हमारे साथ बहुत सारे सर्वाइवर्स केयर गिवर्स, मैं खुद का मेरा फैमिली में ऐसा हुआ, मेरा जो हम लोग जो सेक्रेटरी है जो फाउंडर है उनका फैमिली में हुआ, तो हम लोग ये अच्छा से जान किया जे कैंसर को हटाने के लिए अब जैसे बोला कैंसर फ्री वर्ल्ड राइट, हमारा ये सपना है, अगर हम सपना नहीं देखेंगे तो कभी पूरा नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग अगर सब मिलके ये सपना देखे हमारा आगे जाके कोई दिन कैंसर फ्री वर्ल्ड होगा, ऐसा कुछ होगा जो कैंसर किसी को होगा तो एकदम से ठीक हो जा पाएगा, तो ये हमारा सपना है। आप जैसे देख रहे हैं हमारे साथ, सब हमारे साथ ये सपना देखे, खुद को अच्छा रखे, हम आपका खुद का फैमिली को अच्छा रखे, इसके लिए मैं फिर भी बोलूंगी फिर एक ही बात मेरा है सबके लिए, अच्छा अवेयरनेस रखे, टेंशन लेके अच्छा अवेयरनेस रखे, डॉक्टर को डॉक्टर के साथ
संयोग रखे, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो फर्स्ट स्टेज में या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ज्यादा 7 से 10 दिन या 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, एक कुछ भी प्रॉब्लम हेल्थ का लिए कंटिन्यू हो रहा है, तो वही हिसाब से डॉक्टर के पास जाए, ठीक से जांच पड़ताल कराए, तो मेरे ख्याल से हमारा जो इतना दिन का काम का तजुर्बा है उस हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी, अगर हम लोग ये कर पाए तो कैंसर का डेथ रेट हम कर पाएंगे। मैं इतना तो सपना देख सकती हूँ प्री कैंसर वर्ल्ड, लेकिन हकीकत में ये मुमकिन नहीं है, आपको भी पता है जी एकदम से कैंसर फ्री अभी ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हम लोग सपने देखेंगे, सपने देखना जारी रखेंगे, हम इसका सपना सफल हुआ ऐसा देख नहीं देख के आगे देख के नहीं जा पाएंगे शायद, लेकिन हमारा अगला जो जेनरेशन है वो देख पाए, उसके लिए हम लोग जो क्षेत्र उसका लिए हम लोग जमीन ठीक करके जाएंगे, सबके ये जिम्मेदारी है, तो इसके लिए सब अच्छा से अवेयरनेस रखे कैंसर लेके, तो मेरे ख्याल से कैंसर लेके अगर अवेयरनेस रखेंगे तो खुद को, फैमिली मेंबर को, आसपास वाला को, आसपास जो उसके लिए उसका एक्सटेंडेड फैमिली है सबको, वो इतना मैसेज दे पाएंगे या हकीकत में होगा कैंसर अपना डेथ रेट बहुत कम हो जाएगा। जी, आपने जो अभी कहा कि कैंसर मुक्त वर्ल्ड आप देखना चाहते हो, और सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना एक ना एक दिन जरूर सच होता है। अपना जनरेशन नहीं तो अपने आगे का जनरेशन तो शायद ये फील कर सके, और मुझे लगता है आपका ये सपना जो है वो एक दिन जरूर सच होगा। मैम, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। ये एनजीओ एक्चुअली में क्या काम करती है? सुमिता कैंसर सोसाइटी एक्चुअली एनजीओ है, वो कैंसर पेशेंट के लिए क्या काम करती है, प्रिवेंशन कैसे करती है कैंसर के लिए, अवेयरनेस कैसे रखती है कैंसर के लिए, इस बारे में हमारे दर्शकों को आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका महत्वपूर्ण धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार, धन्यवाद। इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे हम हर शाम 7 बजे लाइव आने वाले हैं, अलग अलग तज्ञों के साथ, कैंसर तज्ञों के साथ। तो आपको भी अगर कोई सवाल हमारे डॉक्टरों से पूछने हैं तो जरूर आप हमें कमेंट कीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारा ये लाइव कार्यक्रम अगर किसी भी तरह से मिस करते हैं तो आप हमारा ये लाइव कार्यक्रम फिर से एक बार इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप ये कार्यक्रम जो है फिर से एक बार जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद। नमस्कार।